Good evening and welcome to the Kapil Sharma Show. सिद्धू भाजी आप इतने छोटे कैसे हो गए? ओ गुरु, बाजार में चलने वाला सिक्का कभी खोटा नहीं होता। कलाकार कोई भी हो कभी भी छोटा नहीं होता। वाह, क्या बात है। इसे 250 ग्राम के सिद्धू जी मैंने पहली बार देखे हैं। पर सिद्धू भाजी आप तो एक्स्ट्रा लार्ज थे, आप एक्स्ट्रा स्मॉल कैसे हो गए? मतलब क्या करूं यार, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है। साढ़े छे तो महंगाई बढ़ गई तो क्या हो गया फिर? साढ़े छे फोट फोट का। अबे सुई अटक गई क्या? साढ़े छे फोट का आदमी। अबे फिर अटक गई रिकॉर्ड पे। मम्मी बताओ। क्या मम्मी बताओ? मम्मी ने सिखाया आपको ये सब? साढ़े छह फुट का आदमी मेंटेन नहीं होता, इसलिए मैंने खुद को छोटा कर लिया। अरे वाह, क्या बात है। पाजी, ये आप यहाँ पे तो ये कौन है भाई साहब? अरे आजकल मुझे कई कुर्सियों पे बैठना पड़ता है, इसलिए मैंने छोटे छोटे पोर्टेबल सिद्धू रख रखे। आपको पता है पाजी ये कौन है? ये सबसे बड़े कलाकार का कंटेस्टेंट है भाजी, और ये बड़ा कमाल का आर्टिस्ट है। इसका नाम है समर्थ। समर्थ देख रहा हूँ बेटा, आजा पुत्र। उसने कहा यार ये कहीं सिद्धू खड़काई ना दे, डर गया है थोड़ा सा। ले मैं तेरे पाड़ी कर देता हूँ, पर दाढ़ी ना आ जाए तेरी मेरे मुंह में। अच्छा आप बताओ, सिद्धू सर को बताओ आपने दाढ़ी कैसे बनाई है? कैसे बनाई है? पेंट से वाटर कलर। तेरी समर्थ के लिए जोरदार तालियां, बहुत क्यूट बच्चा है ये। समर्थ इधर आओ, तुम्हारे लेसेस खुले, इधर आओ। ये किसने तैयार किया आपको? मेरी मम्मी ने। मम्मी ने तैयार किया? पापा को भी करती है मम्मी तैयार? के नहीं अब वैसे क्यों स्कूल जाते हो? यस। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? केजी में पढ़ता हूँ, फर्स्ट में गया हूँ। समर्थ आपको एक्टिंग करने का शौक है? यस। क्या बनना है आपको बड़े होके? बड़े होके मैं नेवी ऑफिसर बनूंगा। वेरी गुड। तो आपको नेवी क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि मेरे को शिप में पहली बार रहने जाना अच्छा लगता है। शिप में बैठना अच्छा लगता है? यस। आप कभी बैठे हो शिप में पहले? पहले नहीं बैठा, पर थोड़ी दिन बाद बैठूंगा तो पता ही चल जाएगा शिप होती कैसी है। नहीं पर एक बात बताओ समर्थ, अगर आप शिप में कभी बैठे नहीं आपको कैसे पता मजा आता कि नहीं आता? जब मैं जाऊंगा तभी तो पता चलेगा मेरे को। ओ ले, तूने क्या बोला यार? ये बात तो है। क्या यार, तू ही छोड़ यार। तो आप शिप चलाओगे कि शिप में बैठ के ऐसे झूले लेने आपने? मतलब नेवी ऑफिसर शिप को बचाते हैं कि ये पानी में ना जाए। तो जहाज तो पानी में तैरता बेटा? जहाज तो पानी में ही तैरते, पर नीचे भी हो जाते हैं ना जब पानी चला जाता है, तो इसलिए कोशिश करते है कि थोड़ा सा ज्यादा पानी रहे। ये समुंदर भी खुद बना लेता है। ये छोटा सिद्धू नहीं है, बड़ा सिद्धू है गुरु। बेटे आपने सिद्धू जी सर को पहली बार कहाँ देखा था? मैंने शो पे ही देखा था, जब टीवी में सोनी में देख रहा था। ये सोनी टीवी ने आपको सिखा के भेजा है सोनी का बार बार नाम लेना है? नहीं। अच्छा, सबसे बड़ा कलाकार मैं आया हूँ ना, इसलिए सोनी का नाम लेने की आदत पड़ गई है। ठोको 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 ताली ठोको ताली। समर्थ आपको कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। किस बात की पूछो तो सही पहले? क्योंकि मैं सबसे बड़ा कलाकार में गया हूँ। वेरी गुड, सब पता है। अब मैं आपके सामने जिनको इनवाइट करने जा रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत अदाकारा हैं। अच्छा, मेरी फेवरेट हैं। प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड रवीना टंडन।
हाउ आर यू रवीना जी? आपका बहुत बहुत स्वागत है. एक हाथ से बच्चा उठा लेती, क्या बात है भाई. ये तंदुरुस्त हमारी हीरोइन. अब आदत पड़ गई है. बहुत अच्छा. आप पहले से मिल चुकी हैं सारे बच्चों को? समर्थ को तो मैं जानती हूँ. ये हमारा नन्ना सा सबसे बड़ा कलाकार है और जो इसने पहला एक्ट किया था शो पे, मैं आपको बताऊं, आपका किया था एक्ट सिद्धू जी. रियली? हाँ. और उसमें आपकी बहुत धुलाई हुई. बहुत धुलाई हुई. इनकी एक पत्नी बनी थी, इनकी छोटी सी फ्रेंड, वो भी इतनी सी छोटी सी नन्ही सी है, उसने पकड़ के जो धुलाई की, समर्थ की जो धुलाई की ना. नहीं पर इसमें झूठ क्या है, वहां पे भी मेरी धुलाई ही होती है ना. सवेरे जलंधर, शाम में दिल्ली. पाजी रवीना जो है हमारे सोनी परिवार का हिस्सा हो गई है. मिलते जुलते रहेंगे, आते जाते रहेंगे. मैं एक्चुअली ऐसे आते आते मैं तुमको क्रॉस करके मैं वहां जा रही थी, फिर मैंने अपने आप को रोक लिया. क्यों? क्योंकि इनको तो मिल गई है वहां कुर्सी, मेरे लिए ये है अच्छी कुर्सी. मैंने सोचा यहाँ बैठ जाऊं, वो तो राज चला रहे, मैं यहाँ कपिल पे राज चलाऊं. वाह रवीना जी, आपको एक बात नहीं किसी ने बताई, पॉलिटिशियन कुछ भी छोड़ देता है, कुर्सी नहीं छोड़ता. रवीना, एक कलाकार को तो हमने मिल लिया, ये बड़ा ही कमाल का, बड़ा क्यूट है. और कौन कौन से खतरनाक कलाकार? मैं आपको बताऊं, इतने खतरनाक कलाकार हैं कि कपिल जी आप अपना शो यहाँ पे संभाल लो. अच्छा. ये तो खतरनाक है ही, लेकिन इनसे भी छोटे छोटे, इनसे भी बड़े बड़े हैं जो इक्वली खतरनाक है. ओहो. तो आप बहुत डेंजर में, समझ लो. इनसे भी छोटे कैसे हो सकते हैं, तो सबसे छोटा दुनिया का प्राणी यही लगा मुझे. इतना छोटा सा. इनसे छोटे तो थोड़े से बच्चे होते हैं. तो आप बच्चे नहीं हो? मैंने ये नहीं कहा कि मैं बच्चा नहीं हूँ. मैं तो बच्चा हुई ना, पर छोटे बच्चे जो इतने इतने से होते हैं वो मुझसे छोटे होते हैं. इतनी सिंपल सी बात आपको समझ में नहीं आई? सॉरी बेटा, मैं भटक गया था. तो ये जो सबसे बड़ा कलाकार, ये जो शो आ रहा है सोनी पे, नया शो, ये बच्चों का शो है, टैलेंट हंट शो है. रवीना, आपके साथ कौन कौन है और इस शो को जो बच्चों का टैलेंट? मेरे साथ है एक वारसी और एक पारसी. अब पूछे कौन? मैं समझ गया. मिस्टर अर्शद वारसी और मिस्टर बमन ईरानी. क्या बात है, बहुत बहुत. तो आप अभी तक तो काफी शहरों में जा चुके होंगे ना टैलेंट हंट करने? देखिए, जो हम लोग के ऑडिशंस थे वो हो गए हैं, और मैं कहूँगी कि ये जो सबसे बड़ा कलाकार शो है, ये एक टैलेंट शो है और एक ऑलराउंडर शो है. okay. क्योंकि हम सिर्फ एक अच्छा एक्टर ही नहीं ढूंढ रहे हैं, एक अच्छा सिंगर, एक अच्छा परफॉर्मर, एक अच्छा आर्टिस्ट, ऑलराउंड एंटरटेनर जिसे कहते हैं, हम वो ढूंढ रहे हैं. आपको वाकई गर्व होगा कि हमारे देश में इतना सारा टैलेंट है, एंड ये एक प्लेटफॉर्म है, एक अपॉर्चुनिटी, एक ऐसा मंच है जहाँ उनको अपनी कला दिखाने का एक मौका मिल रहा है. एंड इस तरीके से बढ़िया आर्टिस्ट हैं हमारे पास. है बड़े क्यूट मशरूम जैसे बच्चे हैं ऐसा. इसको तो पॉकेट में डाल के घूम सकते हैं लिटरली. इसको यहाँ पे तो कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आंख के तारे, टका टक. इस शो में अभी आप पॉपुलर हो जाओगे है ना, तो फिर तो आप स्टार बन जाओगे. तो फिर क्या पैसे कमा के क्या करोगे, किसको दोगे? मैं तो अपने नानों को ही दूंगा, क्योंकि उनके पास है ना थोड़े, वो बहुत पैसा खर्च करते हैं, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि उनके पैसे कम हो, इसलिए मैं उनको पैसे दूंगा. नानू को? नानू. तो पापा मम्मी नहीं खर्च करते हैं पैसे? मेरे पापा मम्मी तो खर्च करते ही नहीं है. मेरे पापा मम्मी खर्च करते हैं, पर मेरे नानू मना कर देते हैं. सुनिएगी, मैं दूंगा. नानू के पास ज्यादा पैसे होंगे ना बेटा? नानू के पास ज्यादा पैसे होंगे तो और ज्यादा हो जाए, तो 15,000 हो जाएंगे. यही है क्यूटनेस जो आपको इस शो में नजर आने वाली है. और भी क्यूट क्यूट बच्चों से आपकी मुलाकात कराते हैं. अभी एक और फनकार मैं चाहूंगा रवीना बताएं. तो अब मैं बुलाना चाहती हूँ हमारा अगला कलाकार. अर्ज किया है सिद्धू जी. वाह वाह, फॉर अ चेंज आप वाह वाह कर लीजिए. जरूर जरूर जरूर, खड़काइए. सिद्धू जी के बिना बनती नहीं सरकार. वाह. सिद्धू जी के बिना बनती नहीं सरकार. अरे हाजिर हो अगला कलाकार. How are you? Fine. आप क्या बने हुए हैं ये?
मैं राजा रड़ा बनाऊं। बेटे अच्छा आपका असली नाम क्या है? उद्भव। उद्भव उद्भव ये किसका आइडिया था मूंछे लगा के टोपी पहन के ऐसे छोटा सा बाथरूम? आइडिया मेरा था, पहनाया दूसरों ने। तो मम्मी पापा कहाँ हैं आपके? मेरे बाप। तो आप कहाँ से आए हैं उद्भव? मैं चंडीगढ़ से आया हूँ। कैसे आए हैं आप? बाय ट्रेन। वो तो मैं भी ट्रेन से आया, मैं कौन छूट के आया हूँ? आप भी ट्रेन से आए हैं? Yes. तो ट्रेन कैसे आई थी? को चुक 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 ट्रेन चली। अच्छा आ गया गुरु। अच्छा रे वीना जी, परसों एक आदमी मुझे ना पार्क में अपना कुत्ता घुमाते हुए दिखा। हाँ। मैं भी वहां पे टहल रहा था तो मेरे पास आके गधा, भाई साहब भागना मत नहीं तो कुत्ता आपको पकड़ लेगा। फिर? पर कुत्ता था बड़ा बदतमीज, उसके लिए था आदू। उसने गेम शुरू हुए बिना ही मुझे ऐसी जगह से पकड़ा कि उसके बाद से आज दिन मैंने सोचा छत का पंगा नहीं देगा। अच्छा कपिल जी। हाँ जी। मेरे को कल एक भिखारी मिला। अच्छा। कहता भगवान के नाम पे कुछ दे। फिर? आप यकीन नहीं करोगे, मैंने आशीर्वाद दे दिया। फिर कहता ये नहीं कटोरे में कुछ दे। आप वापस यकीन नहीं करोगे, मैंने अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया। बाप रे। फिर कहता ये नहीं कटोरे में कुछ दे। मैंने कहा आज तक मैंने अपने जेब में पैसे नहीं डाले, तेरे कटोरे में क्यों डालूं? तेरे कटोरे के लिए आ दो। हाँ कि भीख मांगनी भी नहीं चाहिए कि नहीं? क्यों मांगते हैं भीख? काम करें कि नहीं? अकल नहीं होती। अच्छा मैं आप सबको छिपकलियों की एक अनोखी बात बताता हूँ। हाँ। उनको डकार नहीं आता। आपको कैसे पता डकार नहीं आता? सुना नहीं ना आजकल। अच्छा मैं वैसे आप सबको बताऊं, आप तीनों मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा इतने ज्यादा? रवीना जी आप तो बहुत ज्यादा। अच्छा अगर आप मैं 10 साल पहले मिली होती तो आपका नाम रवीना टंडन की जगह रवीना अरोड़ा होता है। कान खींचूंगी अभी तेरे जोर से। ये तो पहले भी उन्होंने सुन चुका है। क्या क्या बोला? ठोक दे फिर वापस। समझ क्या कहा? सुना नहीं मैंने आपसे। मैंने बोला था कि इन्होंने ये वाला डायलॉग पहले भी सुन लिया है क्योंकि इसके स्क्रिप्ट में पहले वाली स्क्रिप्ट में इसका पहले वाला प्रोमो आया था। अच्छा समर्थ आपके पापा मिलेंगे नहीं रवीना मैडम से? मेरे पापा तो कभी नहीं मिले किसी हीरो हीरोइन से। नहीं उन्होंने कहा नहीं मुझे भी लेके जाओ रवीना टंडन से मिलना। मेरी मम्मी भी हीरोइन लगती है। आप क्या समझते हैं कपिल जी? तो ये बात आपको कौन बोलता है? पापा बोलते हैं कि तेरी मम्मी हीरोइन है? नहीं मेरे खुद के मन में ही याद होती है। मैडम इनकी मम्मी है, इनको भी माइक दे दीजिए। ये कौन सा बोलने वाला पापड़ खा के पैदा किया आपने? ये बच्चा जो भी नहीं होता। तो आपके एक ही बेटा है? एक ही बेटा है। ये ब्रेकफास्ट में क्या खाता है? मैं खाता हूँ। मेरे को पता क्या खाता है? खाता हूँ जब कपड़े ज्यादा गंदे हो जाते हैं तो मैं नहाता हूँ। यार तो ये आप घर में कोई बोलता है इतना कि वैसे ही? यही बोलता रहता है, घर में किसी को बोलने का मौका ही नहीं देता। ठोको ताली। ओ बस। मैं वैसे बताऊं मेरे पापा आ गया। कहाँ है? वो रे। आपका बच्चा बहुत ही टैलेंटेड है सर, बहुत बहुत मुबारक आपको, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर आपको क्या लगता है, मतलब बड़ा ये अच्छी बात है ऐसे प्लेटफॉर्म जो है हमारे देश में है, अभी इतने अच्छे अच्छे रियलिटी शोज आते हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब होती वैसे? नहीं सर ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू।
आप अकेले हैं, इनकी मम्मी भी नहीं आई साथ में? नहीं, एक्चुअली शी इज अ टीचर, तो अभी छुट्टियों की दिक्कत होती है थोड़ी सी उनको. ओके ओके ओके. अच्छा ये बड़ा अच्छा है, उनके पापा नहीं आए, इनकी मम्मी नहीं आई, ये क्या है? ये मतलब आप वैसे ही नहीं, वैसे कोइंसिडेंस है कि कुछ प्लानिंग है? ओहो, जोर जोर से बोल रहे, कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंस. मैं सोनी चैनल की तारीफ करूंगा. अच्छा बेटे, सोनी चैनल की तारीफ करो, कुछ भी करो, क्या बोलोगे आप? अभी सिद्धू जी की तारीफ में कुछ बोलो आप, जो आपका दिल करे. चक दे फट्टे नब देगली, चक दे ओ, चक दे ओ, चक दे फट्टे नब देगली, मेरे दूध का ग्लास पी गई मेरे पड़ोसी की बिल्ली. आज नया शेर दे दिया आपको. ये दोनों बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार. सिद्धू जी, जी कपिल जी, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं हमारे पास, नया नया सरप्राइज पैकेट है. अच्छा, मैं एक और को बुलाना चाहूंगी, उसके पहले आपके स्टाइल में सिद्धू जी एक चीज बोला जाए. आज मैंने नहीं बोलना, आज आप ही बोलिए. आज मैंने भी नहीं बोलना है, आपने भी नहीं बोलना है, इसने भी नहीं बोलना है, ये लोग बोलने का मौका नहीं देने वाले. हम तो बोलने का मौका ही दे रहे हैं, हम तो कुछ बोल भी नहीं रहे. अच्छा आ गया यार तू. खैर मैं वापस एक बोलूंगी, 4 दिन की है जिंदगी, वाह, 2 दिन कमाओ, 1 दिन उड़ाओ, वाह, और 1 दिन याद करके टैक्स चुकाओ, वरना 1 दिन बहुत पछताओगे. ये क्या बात हुई? बस यही है, हर बात में जोक नहीं होता. इसलिए बुलाते हैं अगला कलाकार. Hello ma'am. Hello, how are you? Hello sir. Hello, salam alaikum. How are you? इधर आओ. I'm fine. कहाँ से आए सिद्धि? आप कहाँ के रहने वाले हो? भोपाल. भोपाल से आए हो आप? Very good. तो कौन है आपके साथ? मामा आई है. कहाँ है मामा? मामा backstage. तो आपके भी घर से एक ही कोई आया? ऐसा चैनल ने बोला था कि एक को लेके आना है. बताओ बेटा, खुल के बोल सकते हो? आपकी आवाज सारी. मेरे भी एक आए, मेरे कौन से 2 आए हैं. तो सिद्धि क्या करके बताएंगे बेटा आप? मैं सीरियस एक्ट कर रही हूँ. अच्छा, जॉली एलबी 2 का. अच्छा, तो आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं वैसे? मैं 6th में पढ़ती हूँ. 6th में पढ़ते हो, चलो हम आप करके बताएंगे अभी सभी को. मैं पढ़ता हूँ. यस. चलो ठीक है. और समर्थ बीच में नहीं बोलेगा, ये उसने ऐसा प्रॉमिस किया है. नहीं बोलेगा ना, मतलब लगता है ऐसे. हो ही नहीं सकता. ठको ताली. मैं स्टार्ट करूं? है? हाँ? तो अभी वेट किस चीज का कर रही थी? तो बात किससे करेंगे? मेरे को भी मना किए, उनको भी मना किए, बात. ओ गुरु, अरे ए ले ले, फिंगर्स ऑन द लिप्स, गुड बॉय. चल सिद्धि बेटा, कम ऑन. मौन कर सकते हैं पर मौन हो नहीं सकते. फुल फोर्स में चल. क्यों किया ऐसा मेरे साथ? क्यों दिया धोखा मुझे? हाँ, मुझे धोखा देने से पहले एक बार मेरी हालत पे तरस खाया होता. लोगों की जिंदगी के साथ ऐसे खेलते आप लोग? लूटने के लिए मैं ही मिली थी बस. मार दिया उन्होंने मेरे शौहर को, मार दिया. पिछले 8 महीने से इस कचहरी के चक्कर काट रही हूं मैं. एड़िया घिस गई है मेरी. औरों की तरह मना कर देते ना, चली जाती मैं, चली जाती. इस आदमी ने रिजवी साहब के नाम से 2 लाख रुपए लिए मुझसे, और उन्हें पता तक नहीं है. बताओ इन सबको, बताओ ना. और चाहिए, और चाहिए, मैं देती हूं और. ये सब रख लो, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए, न्याय चाहिए. दे सकते हो? बोलो, दे सकते हो? देख क्या बिगाड़ा था.
मैंने किसी का भी क्या बिगाड़ा था? क्यों किया ऐसा मेरे साथ? क्यों किया? मेरे बचे कुछ उम्मीद भी तुमने मुझसे छीन ली। अब मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी? मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी? क्या देख रहे हो सब? खड़े खड़े जाइए ना। इतना तुमने बहुत बहुत अच्छा किया आपने, बहुत ज्यादा अच्छा। फिल्मों में जो आप देखते हो, जब रवीना जी आप मेरी बात से सहमत होंगी, कभी किसी एक्ट्रेस को अगर रोना है तो उनको ग्लिसरीन का सहारा लेना पड़ता है, और ये एक ही शॉट में बोलती जा रही है। बहुत अच्छा परफॉर्म किया बेटा, ऑल द बेस्ट। सबसे बड़ी बात जी, सबसे बड़ी बात, इस कॉमेडी शो के ऊपर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 3-4 मिनट के लिए सन्नाटा छा गया हो, सब कुछ सुन हो गया, समर भी चुप कर गया हो। ये मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं। सुन हो गया सब। Thank you so much. God bless you, बेटा। हम जब ये performances देखते हैं ना सिद्धू जी, हाँ। जब हम लोग वहाँ पैनल पे बैठे, Brilliant. हम लोग एक चीज बोलते हैं, मुबारक हो आपके घर में कलाकार पैदा हुआ है। क्या बात। कपिल क्या है कि ये अभी जो आए हैं ना बेटा, आंसू अभी थी, ये जो आए हैं ये लोग अभी दे आर रॉ, तो जो हमारे शो में है, हमारे पास गुरु हैं, हमारे पास मेंटोर्स हैं, जो एक्चुअली क्वालिफाइड, वेदर दे आर फ्रॉम थिएटर और फिल्म, दे वेरी वेरी बिग एक्टर्स देमसेल्व्स, तो हमारे जो गुरु हैं ये एक एक बच्चे को अपने विंग के अंदर लेके उनको ट्रेन करेंगे, उनको शिक्षा देंगे, उनको पॉलिश करेंगे, यू नो, कैसे स्टेज पे परफॉर्म करना है, एक्टिंग कैसे करनी है, कैमरा के सामने कैसे परफॉर्म करना है। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। समर्थ आप ठीक हो ना बेटा? Yes. बोले नहीं 2.5 मिनट से। आपने मना किया था इसलिए नहीं बोला, मैं बड़ा को कहना मानता हूँ। So sweet, क्या बात है, I'm so proud of you। रूप देख रही हूँ इसका, बड़ों का कहना मानता है। सबसे बड़ा कलाकार शो में एक और सरप्राइज है, कॉमेडी के बिताज बादशाह, बड़े ही महान कलाकार हैं हमारे बॉलीवुड के, और आपने उन्हें सालों से फिल्मों में काम करते हुए देखा है। मेरे फेवरेट भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है उनसे। जॉनी लीवर साहब, वाह, उनकी बेटी जैमी लीवर जो है वो इस शो को होस्ट कर रही है, आपकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा जैमी का। जोरदार तालियां जैमी के लिए। How are you, Jemmy? Welcome. I'm good. Thank you. Thank you so much. Hello, Sidhu ji. How are you? God bless you. Very good. Thank you. Thakadali! Arre! Jemmy, tumne aaj se pehle koi reality show host nahi kiya? Nahi, pehli baar reality show. Par kabhi, waise pata hai reality shows mein kya hota hai? हाँ, मतलब मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ कि रियलिटी शोज में जजेस जो होते हैं अपने अंदाज में जैसे कॉमेंट्स देते हैं। हमारे जजेस तो बहुत अच्छे हैं जी, पर कुछ कुछ रियलिटी शोज में ऐसे जजेस होते हैं जैसे मिथुन दा जी, क्या बात क्या बात क्या बात, वो बात क्या है आज तक किसी को पता नहीं चला। फिर करण जौहर जी हैं, अब करण जौहर जी के कमेंट से ऐसा लगता है कि नल के पास दो औरतें झगड़ा कर रही हैं। दिस वॉज अ कमीनी परफॉर्मेंस, दिस वॉज अ बदतमीज हलकट परफॉर्मेंस। वाओ, तुम्हारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा था कि आई जस्ट वांट टू डांस। ओ प्लीज, मुझे डांस करने मत बोलो, मत, नो 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 नो। मतलब एक पैर से पूरा स्टेज साफ कर देते हैं, स्वच्छ भारत अभियान। अब माधुरी जी हैं जी, अब माधुरी जी जब कमेंट्स देती हैं तो उनके कमेंट्स के बीच में कभी भी डांस आ सकता है, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। जैसे ये परफॉर्मेंस परफेक्ट था, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, ढाई शाम रोक ले, रोक ले, रोक ले, ढाई शाम रोक ले, सर से मोरी चुनरी गई सरक 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 सरक। अब सरक सरक के जज की सीट से निकलकर कब स्टेज पर आ जाती है उनको ही नहीं पता चलता। कभी कभी पॉइंट्स के लिए भी रुक जाती हैं जी। माधुरी जी, अब किरण खेर जी हैं,
ओहो बच्चे ओहो, देखा नहीं जाता, ओहो ओ देखा नहीं जाता, देखा नहीं जाता, पर बराबर जज कर लेती हैं। वाह 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 पुत्र, कमाल कर दिता पुत्र, कमाल है, कमाल है। देख ऐसे ही परफॉर्म करते रहना और हमारे देश का नाम ना रोशन करना, ठीक है? मेरी तरफ से ना है। इंडियन आइडल ले लीजिए, हमारा शो इंडियन आइडल, इसमें अनु मलिक जी हैं। उनकी शायरी तो आपने सुनी होगी। मॉनसून में होती है रेन, इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग, मॉनसून में होती है रेन और पटरी पर चलती है ट्रेन, भाई को राखी बांधती है बेन। इस पुरान परफॉर्मेंस के लिए मेरी तरफ से 11,111 रुपए की देन। बगल में फरह खान जी बैठी हैं। ओ गॉड अनु, यू हैव नो ब्रेन, जस्ट स्टॉप इट अनु, जस्ट स्टॉप इट। अनु व्हाट आर यू सेइंग यार, 11,000 रुपए आज के जमाने में क्या वैल्यू है इसकी, जस्ट स्टॉप इट स्टुपिड यार। मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहूंगी यहाँ स्टेज पे सबको, मेरी तरफ से 500-500 के नोट, वो भी पुराने वाले। तुम्हारी परफॉर्मेंस कौन सी नहीं थी, स्टॉप इट। रियलिटी शो में जी सेलिब्रिटीज आते हैं प्रमोशन करने के लिए, जैसे सनी लियोनी बहुत सारे सेलिब शोज में आई। सनी लियोनी जी, चे डांस करता बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छा किया। आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग, ये दुनिया पित्तल दी, यस यस, ये दुनिया पित्तल दी एंड बाचा सारा स्टील लक्ष्मी मित्तल दी। क्या बात है। अब सिंगिंग रियलिटी शोज की बात कर रहे हैं तो जैसे अमेरिका में फॉरेन कंट्रीज में अपने स्टाइल में गाते हैं, अब हमारे यहाँ ऐसा ही कुछ गाते हैं, भीगी भीगी सी है रातें, भीगी भीगी बातें, भीगी भीगी रातें, भीगी भीगी आंखों में कैसी नमी है, हाँ 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 सपनों का साया पल में रुलाए, पल में हंसाया। सुपर्ब, इतना परेशान हो जाते हैं। पर मुझे लगता है कि परेशान होने की क्या जरूरत है जब हमारे यहाँ एक से एक रीजनल सिंगर्स हैं, फोक सिंगर्स हैं, राइट? जैसे एक सिंगिंग कंपटीशन में एक महाराष्ट्रियन सिंगर आ गई, नमस्कार मैं गाना गाएगी, रेशमा चरे गाने लाल काला धागा ने, रेशमा चरे गाने लाल काला धागा ने, कर्नाटक की कशीदा में काड़ी ला, हाथ न गलाऊ माझा साड़ी ला, हाथ न गलाऊ माझा साड़ी ला, हाथ न गलाऊ माझा साड़ी ला। क्या बात है। अच्छा अब कभी कभी महागुरु आ जाते हैं, यू नो स्पेशल एपिसोड में महागुरु आ जाते हैं, जैसे आशा भोसले जी आ गई जी। अब आशा जी ऐसा चेहरा बनाती हैं, पता नहीं चलता इनको पसंद आया या नहीं पसंद आया गाना। क्या गाया ये तुमने, क्या गाया? बहुत अच्छा गाया। सुपर जेमी, सुपर। अरे खत्म नहीं हुआ, सुनो सुनो। देखो तुमने मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिलाई, जैसे किशोर दा, बर्मन साहब, दीदी, हम रिकॉर्डिंग करते थे, बड़ा मजा आता था। So sweet. अब मैं आशा जी की इतनी बड़ी फैन हूँ ना,
हाँ, कवर तो बाद में करना है ना कभी, पर आशा जी को बहुत अच्छा लगा होगा आपने इतना अच्छे तरीके से मिले. जेन्युइनली जेन्युइनली हाँ, मैं भी फ्रॉम द बिगनिंग, मतलब बचपन से मेरा ये था कि देयर इज नोबडी लाइक हर. जी हाँ, मुझे बहुत ज्यादा आशा जी पसंद है. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भी मैं देखूँ ना, मुझे आशा जी दिखती है. जैसे मैं फ्लाइट में भी जाऊँ ना, फ्लाइट अटेंडेंट में भी मुझे आशा जी दिख जाती है. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो अगर अनाउंसमेंट्स करे फ्लाइट के अंदर, तो आशा जी कैसे करेंगे अनाउंसमेंट्स. आशा जी सोचिए, पैसेंजर टू जैमी लाइव शोज भी बहुत करती हैं, अपने पापा के साथ भी बहुत बार परफॉर्म करती हैं, अपने सोलो शोज करती हैं. जब आप कहीं कुछ ऑडिशन देती हैं या कभी कुछ एक्ट करती हैं, किसी ने कहा नहीं है कि आपके अंदर जॉनी लीवर जी आ रहे हैं, या किसी ने खुद बोला हो कि थोड़ा जॉनी भाई डालो इसमें? हाँ, डालना कोई एक्सपेक्ट करता है, बार बार डालना पड़ता है. बाबा मेरे को कुछ नहीं, बालो मालूम बाबा मेरे छोटे छोटे बच्चे, डालना पड़ता है बार बार, बहुत एक्सपेक्ट करते हैं. जैमी We are so proud of you. Thank you so much. इतनी talented और इतनी सुरीली है ये. आपको सबसे बड़ा कलाकार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. और आप बहुत अच्छा अच्छा परफॉर्म करो और अपने माँ बाप को खुश करो और पैसे कमा के उनको दो. चलो शाबाश. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बेटा. थैंक यू. आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा. ऑल द बेस्ट और गो एंड स्लीप. नाउ इट्स टाइम टू स्लीप. थैंक यू बेटा. थैंक यू. थैंक यू. बाय बाय. आइए रवीना जी, आप यहाँ विराजमान हुई है. बड़ी खूबसूरत लग रही हैं आप ब्लैक ड्रेस में. अभी नोटिस किया है मुझे? नहीं, मैंने बड़ी देर से नोटिस किया. वो छोटू बोलने कहाँ दे रहा था. रवीना अभी एक फिल्म कर रही है जो बड़े ही सेंसिटिव इश्यू के ऊपर है फिल्म. और मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को बताया जाए एक बार कि वो किस मुद्दे के ऊपर है. देखिए, जो सिद्धू जी आप भी जानते हैं, जो एक बहुत ही खौफनाक हुआ था हादसा, उनकी जो माता हैं, मैं उनसे मिली, जो विक्टिम की माता हैं, वो तो रही नहीं, उनको निर्भया बुलाया जाता था जी. एंड उनके आंसू अब तक नहीं सूखे हैं. तो कहीं ना कहीं वो बोलती हैं, चार दिन ये सब होता है, चैनल्स आते हैं, न्यूज़ चैनल्स आते हैं, रिपोर्टर्स आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, कैंडल लाइट मार्चेस होती हैं, और चौथे दिन इट्स बैक टू बिजनेस. कुछ फर्क नहीं पड़ा है. कहीं ना कहीं आप रोज अभी भी अखबारों में पढ़ रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, बच्चियां हों, या वो 3 साल के हों, 5 साल के हों, 80 साल के हों जी, कहीं ना कहीं वायलेंस एंड अब्यूज इज ऑन द राइज. तो ये फिल्म जो है ये उसके ऊपर निर्भर है. ऊपर वाले से यही कामना कर सकते हैं, यही दुआ कर सकते हैं कि ऐसी चीजें हमारे देश में ना हो और ऐसी दुखद घटनाएं जो है हमें सुनने को ना मिले. और हमारे देश के जितने भी मर्द जो अपने आप को कहते हैं, वो इस चीज़ की जिम्मेदारी लें कि अगर कोई महिला सड़क पे जा रही है, अगर उसको ज़रूरत है, अगर वो डरी हुई है, तो खुद जाके उसके घर तक छोड़ के आए, ना कि उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें. ये बहुत ही लानत वाली बात है. सो जो इस फिल्म के डायरेक्टर जो हैं अश्तर सैयद साहब हैं, यहाँ पर मौजूद हैं. इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो हैं मनोज अधिकारी जी और अंजुम रिजवी साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं. आपका बहुत बहुत स्वागत है सर. सबसे पहले मैं आप तीनों से ये बात जानना चाहता हूँ कि आप तीनों मर्द हैं, तो आपने ये बड़े सेंसिटिव मुद्दे पे फिल्म बनाई और बहुत अच्छी सोच लेके आपने फिल्म बनाई. ये कहाँ से आपको आइडिया आया कि हमें इस मुद्दे पे फिल्म बनानी है? जैसे सब बोलते हैं कि जब भी, अभी रवीना जी ने कुछ कहा कि एटीट्यूड चेंज नहीं हो रहे जी, उसी हिसाब से हम जो करते हैं उसी के अंदर चेंज लाके या अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं जी. तो हमारी ये कोशिश है, जो हम फिल्म बनाते हैं या कुछ करते हैं, हमें यही आता है, हम इसी के ज़रिए हमारी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं जी. और हमारी आवाज़ पहुँचाने का माध्यम रवीना जी हैं, जिसके जरिए से हमने ये कहानी बोली है. और इंशाल्लाह देखते हैं क्या इंशाल्लाह. सर, जो अच्छी सोच को लेके आपने फिल्म बनाई है, तो जाहिर सी बात है लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे उसको. इस फिल्म को देखकर अगर हमारी सोसाइटी में कुछ बदलाव आता है, तो ये बहुत बड़ी जीत होगी. और ये सिनेमा की भी जीत है और आप लोगों की सोच की भी जीत है. ढेर सारी शुभकामनाएं आपको.
वैष्णव जी कैसा है? टनाटन हैविंग फन। देखिए आपसे मिलाने के लिए हम किससे लाए सिद्धू जी? फूल झड़िया द लव ऑफ माय लाइफ। फूल झड़िया हाय सिद्धू जी। सिद्धू जी फूल झड़िया। फूल झड़िया जल रही हो? नहीं नहीं बहुत डर रही है। डरने की क्या बात है? ओहो सिद्धू जी डर रही है कि आप शेर छोड़ते हैं ना। अरे शेर छोड़ते हैं लेकिन हवा वाला शेर नहीं छोड़ते, शायरी वाला शेर छोड़ते हैं। पागल है। डोंट वरी जस्ट चील चील। तुम यही रुको। अच्छा आ गया यार तू। रवीना जी बता नहीं सकता आपको देख के कितना खुश हुए हम। तो आप रो क्यों रहे हैं? नहीं नहीं खुशी के आंसू हैं। आंसू होता है होता है। रवीना जी हमें पता चला है कि आप सबसे बड़ा कलाकार ढूंढ रही हैं। कमाल कर रही है आप। सबसे बड़ा कलाकार आंखों के सामने खड़ा है आप ढूंढ रही है। अरे बच्चों का शो है। नहीं ये तो बड़ी है ना लेकिन। पर ये जज है ना। अच्छा ये जज है। हाँ। आप वकील हैं। सिद्धू जी पायलट हैं। हम बादशाह अकबर हैं। बनाइए मत हमको पता ही है हीरोइन है। वैसे हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दे। नमस्कार 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 माइसेल्फ। अरे इसका कंफ्यूजन हो गया। सॉरी हाँ बहुत कंफ्यूजन। माइसेल्फ बच्चा टंडन। बच्चा टंडन क्या कल तक तो यादव थे आप? हाँ तो कल सैटरडे था आज संडे है। कभी सैटरडे से पूछे कि अचानक आज वो संडे कैसे हो गया? हमारा सरनेम है यार हमारी मर्जी। कल हम यादव थे आज हम टंडन है। कल हम पदुकोण हो जाए यू नेवर नो। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप भाई? हम एक सवाल पूछने आए हैं। पूछ सकते हैं? हाँ प्लीज पूछिए। देखिए आपको इसके बारे में पता होगा अपना ये जय वीरू थे दो लड़के है? हाँ। उसमें से जय जो था वो दिलो जान से मेहनत किया के गब्बर सिंह को पकड़ ले लेकिन उसकी जान चली गई कहीं जाकर। फिर वीरू ने जाके गब्बर सिंह को पकड़ा। हाँ। हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में हीरो कौन था? दोनों हीरो हुए ना? नहीं नहीं संजय दत्त था। देखे नहीं क्या वास्तव? कैसे ऐसे शब्दों में घुमा दिए आपको और आप फंस गए। वैसे आपको बताएं हमारे जीवन में ना आपकी वजह से हम बहुत प्रभावित हुए हैं। अच्छा? सच में? हाँ एक जमाने में आपने कहा था कि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। अब यहाँ पर हमने क्या है कि अपना एक बिजनेस डेयरी फार्म का शुरू किया। दूध तो हम बेच ही रहे थे। हाँ। हमें लगा के भाई आपने चीज की बात की है हम चीज क्यों नहीं बेचते। आज हमारा ब्रांड ऑफ चीज दुनिया भर में मशहूर है इंसानियत चीज। ये क्या नाम हुआ इंसानियत चीज? अरे नहीं नहीं ये हमारे बहुत काम आता है सिद्धू जी बता रहे हैं ये बहुत काम आता है हमारे। हम क्या अपने आप दूध बेचते हैं ना तो उसमें जरा पानी वानी मिलाते सब मिलाते नो बिग डील। लेकिन लोग आके ऐसे हमको डांटने लगते हैं कि अरे क्या पानी मिला दिया ऐसा कैसा दूध है बच्चे पिएंगे तो क्या होगा अरे इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं। हम कहते हैं ये लो। इसीलिए इंसानियत चीज नाम भी रख दी। वैसे रवीना जी हम चाह रहे थे ये जो केबल टीवी सब चलते रहते ना आसपास तो एक विज्ञापन अगर आप इंसानियत चीज का कर देंगी अगर जिंगल बिंगल हम बना के लाए हैं तैयार करके मजेदार। आपको सिर्फ कहना है कि अगर आप में इंसानियत की कमी है तो खाइए इंसानियत चीज। ठीक है हमारा जिंगल रेडी है एक बार इधर आ जाइए ना ये प्रोडक्ट जो है हमारा। बंदा अच्छा कर दीजिए इसकी ऐड। कर लूं फ्री में? अच्छा बंदा है। अगर आपके जीवन में इंसानियत की कमी है तो खाइए इंसानियत चीज। ये चीज बड़ी है मस्त मस्त। ये चीज बड़ी है मस्त नहीं इसमें कोई खोट खोट नहीं इसमें कोई खोट खोट नैनीताल में चलती है बोट बोट इसको खा के हो जा लोट पोट खा के नहीं होगी दस्त दस्त। ये चीज बड़ी है मस्त मस्त। ये चीज बड़ी है मस्त। थैंक यू। आपका
आपका जिंगल भी बहुत ही बढ़िया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वैसे रवीना जी बड़ी खुशी हुई जानकर अब हम और आप पड़ोसी हो गए हैं। कैसे? नहीं आप 8 बजे आएंगे, हम 9 बजे आएंगे और 10:30 बजे हम दोनों ही पकड़े जाएंगे। पूछे क्यों? क्यों? CID आएंगे ना। अच्छा बच्चा ये बातें छोड़ो, रवीना ये बहुत अच्छा जोक सुनाता है, तो जोक सुनाओ कोई। अरे नहीं नहीं बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। सुना तो फिर। नहीं नहीं छोड़िए, चल रहने दो फिर। नहीं भाई ऐसे नहीं नहीं सुनाते सुनाइए ना। अरे बाप रे सुनाइए ना। इन्होंने कितना प्यार से कह रही है, अब हमको सुनाना पड़ेगा। सुनिए एक बार क्या होता है ना। बहुत ही अच्छा जोक है, बहुत मजा आने वाला है। एक बार एक आदमी था, ऐसे वो दादर स्टेशन से बाहर निकला, उसके दोस्त के घर जाना था, उसको बंबई में पहली बार आया था। उसको एक टैक्सी वाले ने ऐसा उल्लू बनाया, उसको बगल में जाना था, उसको पूरा बंबई घुमाया, अरे घुमा के इतना उल्लू बना के उसको जाके उस जगह पर छोड़ा। 5 घंटे बाद सारे उसके पैसे भी लूट लिए, पूरा उल्लू बना दिया। अब जैसे ही आदमी अपने दोस्त के घर में घुसता है, वहां पर बिजली गई हुई है, पूरा अंधेरा है, लेकिन इस आदमी को पूरा साफ साफ सब दिखाई दे रहा है। पूछे कैसे? कैसे? टैक्सी वाले ने उल्लू बना दिया था ना, उल्लू को अंधेरे में दिखता। चलिए अब हम चलते हैं रवीना जी, बड़ा मजा आया आपसे मिलके। चलिए ओके तुझे ओके टेक केयर। चलो बिजुरिया है वो माइंड ब्लोइंग। अच्छा मैम आप ऐसी बात मन में आई, आपने आपके डांस मन में बातें आती है तो बहुत डर लगता है। नहीं नहीं आपके डांस से मतलब लोग दीवाने हो जाते। कभी थडानी साहब ने कहा ना कि रवीना एक बार हो जाए टन टन है ऐसे कभी? What question is this? What rubbish? नहीं रबिश की बात नहीं, रवीना टंडन ही वाइफ हो गई, और क्या रह गया दुनिया में? कि एक होता है कि ये मेरी पत्नी है सवित्री, ये मेरी पत्नी है कमला, मेरी वाइफ रवीना टंडन, तो दिमाग में पहली बार ही ऐसा टन 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 नहीं कभी ऐसा हुआ नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने। मैं रवीना को कुछ मूवी के टाइटल्स दूंगा, आपको बताने कि ये किस एक्टर को सूट करते हैं। अखियों से गोली मारे, कौन है ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस? मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। वाह वेरी गुड, आई लाइक दैट। जिद्दी। कपिल शर्मा। कौन सी टर्म में? आई डोंट केयर, आई डोंट नो, बट आई थिंक यू आर जिद्दी। ओके दिलवाले। सलमान। दिलवाला सलमान खान। डॉन। इंडस्ट्री के जो एवर ग्रीन एवर लिविंग लेजेंड डॉन होंगे वो श्री अमिताभ बच्चन जी ही होंगे। क्या बात, मुझे आपका नाम बड़ा अच्छा लगता है, पता है? रवीना। थैंक यू। हालांकि मेरे को पता है कैसे पढ़ा था, पर मैं चाहता हूँ एक बार आप दोबारा बताएं कि क्यों कैसे पढ़ा था नाम। पापा का नाम रवि है जी और मम्मी का नाम वीना है, तो उनको लगा ये हम दोनों का क्रिएशन है रवि और वीना, तो वो दोनों नाम जोड़ के मैं बनी हूँ, तो रवीना नाम रखा गया मेरा। अच्छा ये भी जो स्टार्स होते हैं इनको बचपन से भगवान ने बना के भेजा, माँ बाप के नाम उस हिसाब से सेटल किए कि रवि और वीना दोनों मिला तो रवीना लगे, रवीना टंडन द सुपरस्टार। कई लोगों को पिताजी का नाम संजय हो, माँ का अंतरा, तो दोनों मिला के संतरा रखेंगे बेचारे का। क्या करेंगे वो, है ना। रवीना जी आपके फैंस आपके साथ बातें करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, पता नहीं क्यों पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं। जी कौन है जो सबसे पहले? जी सर। हेलो सिद्धू भाई जी। हेलो जी। हेलो कपिल जी। हेलो रवीना मैम, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैम, आपकी बहुत मूवीज देखी हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं। हाँ? ये एक्चुअली आपके बहुत बड़े फैन हैं, आपको पता है? मैं हाँ। बड़ा फैन हूँ। ये 6 बजे आए, इनका पेट 5:30 आ गया था। हाँ सर। मैम आपकी एक मूवी आई थी बुड्ढा होगा तेरा बाप, उसमें आपका एक सीन था अमित जी के साथ, और जैसे ही अमित जी आते हैं फ्रेम में एंड आपका रिएक्शन जो था ना विज्जू, तो आई जस्ट मैं कहता हूँ आप एक और वही एक्ट करके दिखाइए प्लीज, रिएक्शन प्लीज प्लीज मैम। आपका नाम क्या है? आशीष। आशीष नहीं, अभी देखना रात को सोते हुए छोटी चीची उंगली ना खा जाना कहीं अपनी। सर यही सोच के कि रवीना ने मेरे लिए किया है। खाना खा के सोता हूँ सर। आशीष कहाँ से आए आप? सर दिल्ली से। दिल्ली में क्या करते हैं आप? सर कैटरिंग का बिजनेस है। अच्छा बाकियों को भी खिलाया करो। सर पहले थैंक यू सो मच आशीष। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आशीष जी, शुक्रिया। और कोई मेरे दोस्त? जी भाई साहब।
सर मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं किसी की अमानत आपको देना चाहता हूँ सर, मैं वो अमानत लेके आया हूँ। किसी की अमानत? जी सर, वो आपके लिए है सर। अच्छा जी, वो क्या है जी? सर 2015 में मैं अपने कजन के पास अमेरिका गया था, उसने अपनी जो फर्स्ट सैलरी थी उसमें सर एक डॉलर है वो आपके लिए भेजा सर, कि आप लोगों की लाइफ लाइन है सर, तो आई जस्ट वॉन्ट टू सेंड दैट टू यू सर। कहाँ पे रहते हैं आपके ब्रदर अमेरिका में? सर ही इज लॉस एंजल्स। अच्छा सर, अगर अलाउ करें तो आई कैन हैंड ओवर सर प्लीज, पैसे तो ऑलमोस्ट वेलकम। तो ये एक ही डॉलर भेजा उन्होंने कि 100 डॉलर भेजे थे आपने, बाकी काट लिए? नहीं नहीं सर, सो स्वीट सर, उसने कुछ लकी मनी थी उसकी तो ही वांटेड टू गिव इट टू यू। सो स्वीट। तो ये उनका पहला डॉलर था सर? उनका जो फर्स्ट इनकम थी सर उसका पहला डॉलर। सो स्वीट। क्या नाम है उनका? अविनाश नारायण। अविनाश थैंक यू सो मच फॉर दिस, आपके प्यार के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, शुक्रिया। और कोई मेरे दोस्त कुछ पूछना चाहते हैं? जी जी भाई साहब। हाय सिद्धू सर। हाय कपिल सर। हाँ जी रवीना मैन, मेरे मेरा आपसे एक सवाल है। मुझे कोई नमस्ते नहीं की, मैंने कहा कपिल सर। हाँ जी मेरा आपसे एक ये है मेरा। तो उनके उनका आपसे क्या है? ये है आपसे तो बोले तो सही। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ जी। और मैंने सुना है कि आपको भेलपूरी बहुत पसंद है। अच्छा तो फिर मैं अपने हाथों से बना के खिलाना चाहता हूँ मैडम को। आप चाट बनाते हैं? हाँ, मेरे अपने हाथों से बना के इनको खिलाऊंगा। तो कैसे बनाएंगे? क्या सामान चाहिए उसके लिए? मेरा स्टॉल है प्रॉपर, और वो स्टॉल मैं यहाँ पर लाया हूँ। तो कहाँ है फिर वो? हमें भूख लगी, दे दो बस। दे दीजिए, बाकी बुला लो, बुला लो भाई, दे दो पानी पूरी वाला। ओके बुला लो। सो स्वीट रियली, लेके आए, बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया। आज ही बनाए ना ये सारा सामान? ये सब पूरा आज ही रियल है, पूरा रियल है, रियल तो एक्टिंग नहीं है। ये क्या है? धनिया तो सस्ता होता है, मत डालो। बन गई भेलपूरी। वाह 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 वाह, ये जो पूरी है आलू नहीं है, पानी भी है। हाँ इसका पानी है ना सर, वो भी मांगता है। ये दे दो मेरे को, पानी पूरी भी खिलाओ। पानी पूरी भी खाओगे? और क्या क्या खाओगे? जो जो है। सिद्धू जी बैठ के देख रहे हैं उनको। मैं मेरा नवरात्रों का फास्ट है। बट आप शाम को नहीं तोड़ते बस? शाम को एक बार बस। अच्छे शाम को तोड़ के अगले दिन का रख लेते ना। मेरे को तो खिला दो, पानी तो सारा लीक कर गया इसका। हैं होल वाला क्यों लेके आया? I'm so sorry कि हम लोग खा रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं। नहीं मेरा तो कोई सॉरी नहीं, आप भी खाया करो जाके। बस कितना खाओगे यार, बस करो अभी। खुद हट नहीं रही। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मैं गिफ्ट दूं? आपने हमें इतने अच्छी भेलपूरी खिलाई, बहुत प्यार से खिलाई वो भी। रवीना मैम। हाँ जी। खाई जा रहे हो, उसको कोई गिफ्ट भी दे दो, मैं आपको देता हूँ। अच्छा गिफ्ट भी देना। आइए ये खूबसूरत सा मोबाइल रवीना मैम। गुलाब निकाल दो, ले ले ले, उधर फोटो खिंचवा के आओ जब तक मैं खाता हूँ। आइए एंजॉय कीजिए फोन अपना। शुक्रिया मेरे भाई। अभी एपिसोड बाकी, किधर जा रही? तो मुझे लगा भेलपुरी खाकर रवीना टंडन निकल गई। चला आइए रवीना मैम। कोई और मेरे दोस्त जी, इनको माइक दे दीजिए। इंटरनेशनल हाय। थैंक यू। हाय हाउ आर यू? I'm fine. Namaskar. Oh, namaste. But it's the only word I know. Only the one of my taxi driver, Aramse. But I don't know what it means. Where are you from, beautiful lady? I am from France. France. And I would like to thank you for this absolutely huge show. You are a great, great performer. Thank you so much for and, coming. And I have something to ask you. Oh, wow, what? Maybe
I will be very happy to invite you to France. France. And why not to sing a song with you? Because I hear you have a beautiful voice. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवाज. So sweet. What's your name, Senorita? My name is Mary. Mary? Yeah. Mary, you're married? No, but shh. अच्छा भी मेरे को फ्रांस के लोग बहुत पसंद आते हैं. Thank you so much for coming. Thank you. Welcome to India once again. Thank you. अच्छा आप रवीना आप बच्चों का शो जज कर रहे हैं आपको पता हमारे यहाँ पे एक नन्ना कलाकार है मैं मिलाऊँ आपको हाँ सरला क्या है कपूर शर्मा तुम कपूर शर्मा मुझे क्यों आवाज दे रहे हो नहीं तुम रोज कहती हो ना मुझे कुछ देते नहीं मैंने कहा चलो आवाज दे देते रवीना मैम आई हुई है मैं नीचे आके बात करती हूँ कितनी बार कहा दूर रहा कर दूर से दिखती अच्छी दिखती है चुप रहो मानती नहीं है ये आवाज ये तो आना तो पड़ेगा हेलो मैम हाउ आर यू वेरी वेल वो तो बहुत खूबसूरत है तू बता कब हो रही है आजा बैठ ये बात सुनाने के लिए तुमने मुझे आवाज दी थी अबे सोनी पे बच्चों का शो आ रहा तुझे पता है सबसे बड़ा कलाकार तो बच्चों के शो में मैं क्या करूंगी बड़ों के शो में क्या कर रही है जाओ बच्चों के शो में उनसे सीख के आओ एक्सप्रेशन कैसे करते हैं देते हैं एक्टिंग कैसे करते हैं देखो एक्टिंग तो मैंने रवीना मैम को देख देख के सीखी है ये उन पे इल्जाम मत लगा तू वो अपना इतना अच्छा करती है ये इल्जाम वाली बात क्या है हाँ अच्छा मान लो मैं रवीना टंडन हूँ फिर कोई कुछ नहीं कहेगा इसको भगवान देखेगा मेरा कुछ नहीं ये तो मतलब हद ही कर देती ना कभी कभी तो मान लो मैं रवीना टंडन हूँ मैम वैसे ताली मत बजाओ यू आर एनकरेजिंग हिम इसको कदर ही नहीं है मेरी लेकिन मैं सच कह रही हूँ एक्चुअली मैं स्टेज कंपटीशन में मुझे एक बार फर्स्ट प्राइज मिला था तो ये भी तो बताया ना उन्होंने ये भी कहा था कि जिसका है उसको देख के घर चली जाना स्टेज पे फर्स्ट प्राइज मिला था ऐसे कुछ देखो तुम इतना अच्छा सुनाते हो सास क्यों नहीं बन जाते सारे पहले लड़के लड़कियां बने हो मैं भी सास बन जाऊं अच्छा स्टेज वाला टैलेंट तो दिखा मैडम को जरा करके बता क्या किया था दिखा दूं हां बोल दिखा दूं हां हां बिल्कुल एक थोड़ा सा हैदराबादी टाइप का कौन सा बादी हैदराबादी 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 ये क्या बड़ी बड़ी आंखें देखकर टुकुर टुकुर देख रही है तेरी गर्दन चिकन के जैसे काट को चिकन हैदराबादी में डाल के नो सॉरी ये गर्दन चिकन के जैसे काट के चिकन बिरयानी में डाल को मैं हैदराबादी की पोटी ये देख प्रोफेशनल एक्टर ये रिलेशनशिप एक्टर वैसे ही जानते हैं कई सालों से ठीक है एक और दिखाती हूँ अच्छा रिश्ते में हम तुम्हारे माँ लगते हैं नाम है शहनशाही ये देखिए एक मिनट इसे पकड़ो जरा मैंने देखा तुम्हारा परफॉर्मेंस इतने बड़े एक्टर की पहले तो डायलॉग का एकदम कचरा कर दिया उसके बाद हाइट का भी कचरा कर दिया रवीना जी हाय आई एम बम्पर रहती हूँ अपने दम पर वैसे कपूर शर्मा मानना पड़ेगा आप काफी लकी हैं क्यों आपके यहाँ पर लंदन से तो कोई नहीं आया लेकिन टंडन से आ गया देखो जब दो हॉट लड़के आपस में बात कर रही हो ना तो बीच में आंटी को नहीं आना चाहिए रवीना मैम आपका गाना मेरा फेवरेट टिप टिप बरसा पानी उसमें प्लीज एक सिजलिंग सा हॉट सा एक डांस स्टेप सिखा दो मुझे प्लीज पहले आप करके दिखाइए नहीं बट मुझे तो आपसे सीखना है और सीख के भी कबाड़ा करेंगे आपने देखा नहीं भी सरला का डांस हाँ कितना अच्छा लग रहा है थोड़ा और बरस गया बम्पर ये क्या कर रही हो तुम बम्पर कहाँ गई बम्पर बम्पर कपूर शर्मा तुम कुछ बोल दी क्यों नहीं बम्पर बम्पर पानी क्यों फेंका मेरे ऊपर उसको बेवकूफ बना दिया मैंने आप बैठिए इसको ज्यादा वैसे मैं आपको बताऊं मेरे ना एक्चुअली चाचा जी आने वाले हैं हाँ नींबू लाल जी मेरे चाचा जी हैं डम्परिया हाँ चाचा ए बम्परिया ए देखो आप देखो
अरे 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 रवीना ही नमस्कार चाचा जी। रवीना को देखते तो हमारे पूरी बॉडी में छुरछुरी होता। क्या बोले जा रहे हैं आप? फिर तो आप इतनी दूर से आए, पहले ये बताइए मेरे लिए कुछ लाए हैं? अरे भगवान का दिया सब कुछ है। भगवान का दिया कहाँ है? भगवान का दिया रहा तो? अरे भगवान का दिया हम गांव में छोड़ा है। कैसा मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? देखो मजाक अपनी जगह है, मगर भतीजी भतीजी होती, मजाक अपनी जगह है, मजाक अपनी जगह, बटुआ बटुआ, हाँ बटुआ अपनी जगह है। मेरे लिए क्या लाए हैं आप? तुम्हारे लिए आशीर्वाद लाए हैं, और तुम फटाफट जाओ और गुड़ का शरबत लेके आओ। जाओ। क्यों 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 लाऊं? गुड़ का शरबत आप क्यों पिएंगे? गुड़ क्या पिएगा? गुड़ का शरबत नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा। बेकार की बात कर रहे हैं, मैं नहीं ला रही कुछ। सिद्ध भैया, ये सोनी वाले हमें बहुत पहले से बुला रहे हैं। अच्छा। हाँ कह रहे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मगर हम नहीं यार, हम सौगंध खाए रहे। क्या? हम सौगंध खाए रहे, जौन दिन हमारा सिद्धू मिनिस्टर बनेगा उसके बाद हम इस शो में आऊंगा। एक बात सिद्धू जी की बहुत अच्छी है। क्या? कम से कम सिद्धू जी आप मंत्री बनने के बाद यहाँ पे हफ्ते में दो बार दिखते तो हो। अपने देश में ऐसे ऐसे मंत्री हैं, आपको बता दे एक बार वोट ले लिया तो 5 साल नहीं दिखते। आप इतनी दूर से आए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आपको आने में? प्रॉब्लम का कम चक्कू बैठ के आका। अब आए, खाना वाना खा लो अंदर जाके। खाना का ना पूछो, इस शहर में जो खाना लगता है बुफे सिस्टम जो लगता है, मेज में ऐसे टेबल में लगा देता है खाना, कहता है कि तो बेशरम हो, खाओ खाओ, ना खाओ ना खाओ, तोरे ऊपर है, ये कोनो खाना है? अब आप लोग एक आदमी बताओ कौन है यहाँ पे जो घर पे खड़े होकर खाना खाता है? खड़े होकर खाता है तो पार्टी शादी में कहा खड़े हो खिलाता है? दिमाग खराब हो गया? यही बुफे सिस्टम चक्कर में अमिताभ बच्चन फंसे हैं। कैसे भाई? एक प्लेट ऐसा लिए ऐसे कमर में हाथ रख के कोई इस बात करते रहे। वेटर आया, वेटर आया, प्लेट लेके चला गया, तब से ऐसे हैं। बार बार मांग रहे हैं, सबसे ढूंढ रहे हैं प्लेट कहाँ प्लेट कहाँ। उसी में पब्लिक ताली बजा दिए, वो सोचे ये स्टाइल है। खाना होता तो पुराने जमाने सब जमीन पे बैठते थे, पंगत लगती थी ऐसे, यहाँ पंगत लगी, इधर पंगत लगी है, पत्तल रखा है, मिट्टी का कुल्हड़ रखा है, जब तक खाना नहीं आ रहा तब तक ऐसे देख रहे हैं। और कभी कभी सबसे परेशानी क्या होता है, आदमी रसगुल्ला खिला रहा है और खिलाते खिलाते वो किसी और से बात करने लगा, उतने में एक आदमी छूट गया। छूट गया उसकी जो हालत कैसे छूटता थे। हाँ जी जी, रसगुल्ला लीजिए। हाँ मौसा जी लीजिए। अरे गुड्डू आलू गोभी वाली सब्जी लेके आओ। आलू गोभी के बीच में इनका रसगुल्ला। अब ये बड़े आदमी मांगे कैसे, बच्चा हो तो मांग ले, ए भैया रसगुल्ला ला, हम कहते हैं नहीं मांगे रसगुल्ला। लेकिन बड़े आदमी मांगे कैसे तो बहाने से, ऐसा कुछ हो जाए भगवान कि ये छत पूरी भरभरा के यहीं गिर जाए। तो बगल वाला बोला छत गिर जाएगी तो तुम बच जाओगे? अरे बच तो अभी गए, हमें रसगुल्ला कहाँ मिला। एक सेकेंड, खुशबू आ रहा है। इधर से आ रहा है? नहीं नहीं, इधर से तो आ रहा खिचड़ी का खुशबू आ रहा है, इधर से बिरयानी का आ रहा। तो किधर जाए किधर जाए, बिरयानी लाओ बिरयानी लाओ बिरयानी। रवीना जी आपके साथ एक कल सेल्फी लेनी है। बिल्कुल आइए, रवीना जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। आइए, थैंक यू रवीना जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। माय प्लेजर। और आपको सबसे बड़ा कलाकार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत मजा आने वाला है। और आप लोग भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आसपास सफाई रखिए और देखते रहिए कपिल शर्मा शो।